शादी का रिश्ता बड़ा ही पवित्र माना जाता है और हर लड़की की एक ही ख्वाहिश रहती है कि उसको बड़ा ही स्मार्ट और हैंडसम पति मिले और उसको सभी बातों को माने, उससे किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब ना करे। शादी में अगर सबसे बड़ी बात कुछ और होती है तो वो होती है दुल्हन की ड्रेस। इस ड्रेस को पहनकर दुल्हन अपने आप को किसी हीरोइन से कम नहीं समझती है। हमारी इस लाइन को सुनकर आप ये बात तो समझ गए होंगे कि आज हम अपनी इस रिपोर्ट में शादी से जुड़ी ही कोई खबर देने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस खबर में एक ऐसी रोचक बात छुपी हुई है जिसके बारे में हमने आपको अभी तक नहीं बताया, और ये रोचक बात आपको तभी पता चलेगी जब आप हमारी इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनेंगे। दरअसल शादी से जुड़ी ये खबर चीन की है, जहां शादी करने से पहले दुल्हन ने दूल्हे के सामने ये शर्त रखी कि वो शादी तभी करेगी जब उसकी ड्रेस को दूल्हा पहनेगा और वो दूल्हे की ड्रेस को पहनेगी। गौर करने वाली बात तो है कि वहां खड़े सभी लोग इस बात को सुनकर बड़े ही हैरान हो गए और ये सोचने लगे कि आखिर दुल्हन ने ये किस तरह की फरमाइश की है। लेकिन वहीं मंडप में खड़े दूल्हे ने भी बिना कुछ सोचे समझे तुरंत दुल्हन की बात मान ली और उसने दुल्हन के कपड़े पहन लिए और दुल्हन ने भी दूल्हे के कपड़े पहन लिए। जब इस बात को लेकर दूल्हे से सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि मैं अपने प्रिंसेस से बहुत प्यार करता हूँ और प्यार जताने के लिए इससे बड़ा मौका मुझे शायद ही मिलेगा। तो देखा आपने किस तरह से ये अनोखी शादी हुई। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।